हाय दोस्तों, मैं हूं अब्राहम। पहले दो वीडियो सीरीज़ में आपको मैंने दिखाया था किस तरह मूविंग बॉक्स एनिमेशन बनाना है, और हमने ये भी दिखाया था किस तरह हमको एम्बुलेंस लाइट बनाना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह एम्बुलेंस आवाज़ को हम प्ले करेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों, आपको एम्बुलेंस जो आवाज़ है, साउंड जो है, वो हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया, और इंटरनेट से डाउनलोड करके हमने एसडी कार्ड में सेव करके रखा है। तो ये जो है मेरे एसडी कार्ड है, सबसे नीचे आप देख रहे हो साइरन डॉट MP3 लिखा हुआ है। इसमें एक बार इसको एक बार बजा कर देखते हैं या चला कर देखते हैं। इसको इसमें हमने दबाया और गूगल प्ले म्यूजिक में दबाया। हाँ, ये है हमारा आवाज़, और जो है हमारा जो मूविंग बॉक्स डॉट HTML है, इसको भी एक बार देखते हैं। इसमें दबाया मैंने मूविंग बॉक्स डॉट HTML में, उसके बाद HTML व्यूअर सेलेक्ट किया, और ये था हमारा एम्बुलेंस लाइट। तो ये जो है दोस्तों, ये जो लाइट है धीरे धीरे से चेंज हो रहा है। इसको और थोड़ा तेज़ करेंगे ताकि एम्बुलेंस लाइट जैसे देखे। इसके लिए बैक में दबाया मैंने और मूविंग बॉक्स डॉट HTML फिर से दबाया, और यहाँ से जो है यस नोट एडिटर सेलेक्ट किया हमने। इसके बाद सबसे ऊपर मेरे दाएं तरफ द्वितीय नाम स्थान में जो एडिट है उसमें मैंने दबाया, और यहाँ पर जो है दोस्तों, जो एनिमेशन लाइट था, फ्लैश एनिमेशन था, इसको 1 को हटाकर 0 से रिप्लेस किया हमने, और मेरे दाएं तरफ सबसे ऊपर जो है सेफ सेफ ऑप्शन है उसमें मैंने दबाया, और फिर बैक दबाया, फिर से बैक दबाया, और अभी फिर मूविंग बॉक्स डॉट HTML में दबा कर देखते हैं। और दबाया मैंने HTML व्यूअर दबाया, और इस बार और एम्बुलेंस लाइट की तरफ देखने लगा क्योंकि और थोड़ा फास्ट हो गया है। बैक फिर से दबाया। अभी जो है दोस्तों, इस MP3 और HTML को हम इसको एक स्क्रिप्ट फोल्डर में लेकर जाएंगे। इसके लिए तो हमको पहले साइरन डॉट MP3 को दबा कर रखना है। अभी हाईलाइट हो गया, देखिए अभी रंग आ गया ग्रीन कलर का, और जो है मूविंग बॉक्स डॉट HTML में भी दबाना है, सेलेक्ट करना है। अभी जो है सबसे नीचे मेरा स्क्रीन द्वितीय स्थान में कट ऑप्शन है, तो कट में दबाया मैंने। कट दबाने के बाद यहाँ पर जो है डायरेक्टरी क्यू पाइथन, इसके अंदर में हम इसको दबाया मैंने तो अंदर में चला गया, और इसके बाद जो स्क्रिप्ट है मेरे दाएं तरफ सबसे नीचे स्क्रिप्ट फोल्डर है, वो फोल्डर को ऊपर मैंने दबाया और यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए सबसे नीचे जो मेरा स्क्रीन है उसमें पेस्ट ऑप्शन है, उसी में दबाना है, और साथ में साथ पेस्ट हो जाएगा, और जो पाथ है वो भी अलर्ट में आ गया। तो दोस्तों ये हुआ, हमने पेस्ट किया। अभी जो है हम इसको प्ले करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग से। इसके लिए दोस्तों हमको क्यू पाइथन 3 में दबाना है, आइकॉन में दबाया हमने क्यू पाइथन 3, और एडिटर में दबाना है, मेरे दाएं तरफ एडिटर है उसमें मैंने दबाया, और यहाँ पर जो है हमको लिखना है इम्पोर्ट एंड्रॉयड हेल्पर लिखना है, ठीक है। एंड्रॉयड हेल्पर लिखा मैंने, एंटर दबाया, और यहाँ पर जो है इम्पोर्ट टाइम देंगे, इम्पोर्ट टाइम हो गया, दबाया हमने, और यहाँ पर हम वेरिएबल ए बनाएंगे, सॉरी एन आ गया, कोई बात नहीं एन रहने दीजिए। तो इसमें जो है मैंने एंड्रॉयड हेल्पर लिखना है हमको, एंड्रॉयड हेल्पर डॉट एंड्रॉयड फंक्शन या एंड्रॉयड मेथड को बुलाना है। इसके बाद एंटर दिया, जो उसके बाद जो है हमको यहाँ पर लिखना है एंड्रॉयड हेल्पर लिखा हमने यहाँ पर, और एक चीज़ लिखना है वो है व्यू सॉरी, इसमें एक्चुअली वेब व्यू होना चाहिए, वेब व्यू शो लिखा हमने, और यहाँ पर जो है इसका पार्ट लिख देना है। मैंने लिखा फाइल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होना चाहिए, फाइल कॉलन फॉरवर्ड स्लैश 3 बार, और जो एसडी कार्ड है एसडी कार्ड लिखना है,
एसडी कार्ड लिखने के बाद यहाँ पर जो है ये जो है क्या बोलते हैं इसको डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी का नाम दिया क्यू पाइथन, फिर फॉरवर्ड स्लैश और फोल्डर का नाम देना है। फोल्डर का नाम दिया मैंने स्क्रिप्ट्स और फॉरवर्ड दिया, और जो हमारा मूविंग बॉक्स मूविंग बॉक्स डॉट एचटीएमएल लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर दिया हमने, नीचे आ गया। और यहाँ पर जो है हम और एक वेरिएबल बनाएंगे, इसका नाम दिया प्ले मैंने, और यहाँ पर जो है ए डॉट मीडिया लिखना है, मीडिया प्ले, ठीक है। और इसको जो है इसको फिर से हम कॉपी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको जो हमारा MP3 साइरन है उसका पाथ देना है हमको। अच्छा, कॉपी किया और यहाँ पर जो है पेज ऑप्शन अभी आया था, पेज ऑप्शन आ गया, पेज दिया हमने, और यहाँ पर जो है मूविंग बॉक्स डॉट html को हटा कर इसमें लिखना है MP3 का नाम, नाम है साइरन डॉट MP3, साइरन डॉट MP3 सॉरी MP3 कहा गया थ्री, हाँ, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया वेरिएबल। अच्छा, अभी इफ कंडीशन देंगे, इफ प्ले डॉट रिजल्ट SULT होगा रिजल्ट इज ट्रू, अगर हमारा म्यूजिक प्ले हो रहा है या हमारा साइरन बच रहा है तो हम यहाँ पर हम लूप देंगे मीडिया प्ले सैट लूपिंग दिया, ओके। तो लूपिंग में रखेंगे इसको, प्ले मोड को लूपिंग में रख, एक मतलब ये दौरा चलता रहेगा, म्यूजिक प्ले चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है हम 15 सेकंड तक इसको चलाएंगे, टाइम डॉट स्लिप 15 सेकंड चलाने के, 15 सेकंड दिया हमने, 15 सेकंड दिया, और यहाँ पर जो है उसके बाद हम मीडिया को पॉज में रखेंगे, मीडिया प्ले पॉज दिया, प्ले पॉज हुआ, पॉज हो गया, और उसके बाद जो है मीडिया को क्लोज करेंगे, मीडिया प्ले क्लोज, ठीक है। अभी इसको सेव करेंगे, सेव करने के लिए हमको फोल्डर आइकन में दबाना है, स्क्रिप्ट्स में दबाना है, और यहाँ पर जो है नाम देंगे मूव डॉट पाय, और टिक मार्क में दबाएंगे, सेफ हो गया। अभी जो है प्ले आइकॉन में दबाना है। अच्छा, यहाँ पर गलत हो गया हमारा, फिर वापस जाना पड़ेगा, हमको ठीक करना पड़ेगा। ये क्या था, ये जो है वेरिएबल an होना चाहिए लेकिन हमने a दिया, तो n को हटाते हैं और फिर सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर प्ले ऑप्शन में दबाया हमने, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा आप शेयर करिए, लाइक करिए, है ना, और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।